सब्जेक्ट फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, टॉपिक ऑब्जर्वेशन कैमोफ्लाज एंड कंसीलमेंट। जंग के मैदान में दुश्मन की नज़र से बचने के लिए सैनिक अपने आप को कवर करते हैं। वातावरण के मुताबिक वे नेचुरल या आर्टिफिशियल एड्स की मदद से खुद को ऐसे कवर करते हैं कि वे पहचाने ना जाएं। इसी को कंसीलमेंट कहते हैं। सैनिकों और उनके इक्विपमेंट को दुश्मन की नज़र से बचाने के लिए नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल वस्तुओं की मदद से कंसील करना या छुपाना कैमोफ्लाज कहलाता है। आपके सामने यहाँ पर एक सैनिक खड़ा है जिसको हमने कैमोफ्लाज किया हुआ है। अभी अगर आप सराउंडिंग को देखें, देखिए जरा, घास हरी है, ये हैज हरी रंग की है। यही रीजन है कि हमने हरी पत्तियों से इसको कैमोफ्लाज किया है, मतलब कंसील किया है, छुपाया है। जब भी आप कैमोफ्लाज करते हैं सैनिक को, तो आपको वातावरण में कौन सा रंग है उसी रंग से कैमोफ्लाज करना होता है। अभी इसका चेहरा देखिए, चेहरे में हमने काली धारियां बनाई हैं ताकि हरी पत्तियों के बीच में इसके चेहरे का रंग चमके ना, वो छुप जाए। अब आप क्या यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि इसने हथियार पकड़ा हुआ है? बताना मुश्किल है क्योंकि हथियार की पत्तियों में छुपा हुआ है। ये है हथियार। तो आपको हथियार या और भी कोई इक्विपमेंट जो सैनिक ने कैरी किया है उसे भी कैमोफ्लाज करना होगा, चाहे वो हेलमेट हो या उसका वायरलेस डिवाइस हो या फिर हथियार हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर चीजें दिखती क्यों है, ये कैमोफ्लाज हम कर क्यों रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि दुश्मन को सैनिक नजर ना आए। आपके फौजी जब मूवमेंट कर रहे हैं जंग के मैदान में, वो दुश्मन को नजर ना आए। तो नजर कैसे आती है चीजें, ये जानना जरूरी है। कोई भी चीज कई कारणों से नजर आती है। सबसे पहले उसका शेप। अब देखिए यहाँ पे सैनिक है, इसकी बॉडी का जो शेप है आप पता नहीं कर सकते कि इसकी शेप लाइन कैसी है, क्योंकि पत्तियों से टोटली कवर कर चुके हैं। अगर ये जंगल में से गुजरेगा, झाड़ियों में से गुजरेगा, तो वातावरण में ऐसे मिक्स हो जाएगा जैसे कि गिरगिट मिक्स हो जाती है। नंबर टू, चीजें नजर आती हैं उसके कलर या फिर उसकी शाइन यानी चमक की वजह से। तो हमने, आप देखो, चेहरा इसका पूरा काला कर दिया है सो दैट इसका चेहरा धूप में चमके ना। इसका हेलमेट भी ऐसा पहनना है कि वो शाइन ना करे। इसके अलावा चीजें नजर आती है छाया से। तो कोशिश करनी चाहिए कि सैनिक जब मूवमेंट कर रहा है तो वो छाया में मूवमेंट करे, ना कि वो धूप में मूवमेंट करे, क्योंकि धूप में अगर वो गुजरेगा तो उसकी छाया पड़ेगी जो दूर से नजर आएगी। आप देखिए सैनिक अभी धूप में खड़ा है और उसकी छाया यहाँ पे पड़ रही है। तो अभी लगभग 12 बजे का समय है तो छाया छोटी है, पर एक या दो बजेंगे तो छाया लंबी हो जाएगी। तो ऐसे में वो एकदम से नजर आएगा। अगर ये शेड में जाएगा तो ये नजर नहीं आएगा। इसके अलावा चीजें नजर आती है सतह यानी सरफेस की वजह से। जो चीज आप दूर से देखने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी सतह वातावरण से एकदम अलग से नहीं दिखनी चाहिए। यू नो, फॉर एग्जाम्पल, इसका देखो हथियार है। अब ये हथियार का ये स्मूथ शाइनिंग सरफेस है, दूर से अगर ये सरफेस अलग से दिखेगा तो लोग नोटिस कर लेंगे कि ये क्या है। तो सरफेस ऐसा होना चाहिए जो कि, मतलब, यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, आप उसको अलग नहीं कर पा रहे वातावरण से। चीजें अपने मूवमेंट की वजह से भी दिखाई देती हैं। आप इमेजिन करिए, बड़ा सा एक एरिया है, वहां पे कोई हरकत नहीं हो रही है, पर अगर कोई सैनिक हिल रहा है, मूव कर रहा है, जा रहा है, तो एकदम से वो अलग दिखेगा और नोटिस में आएगा। इसलिए मूवमेंट ऐसे करना चाहिए, इतना, मतलब, स्लोली करना चाहिए कि पता ना चले कि मूवमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन से दिखाऊंगी कि जंग के मैदान में मूवमेंट कैसे किया जाना चाहिए। पहले हम दिखाएंगे एक मूवमेंट करने का गलत तरीका जिससे चीजें नजर आती है। देखिए ये सैनिक है और वो जंग के मैदान में आगे बढ़ रहा है गलत तरीके से। देखिए पूरा नजर आ रहा है, ग्रीन हेज है, उसका कैमोफ्लाज भी ग्रीन है, इसके बावजूद वो दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड उधर देखिए, वहां पे खाकी रंग का है और ये मूवमेंट ऐसे कर रहा है कि इसका मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि मूवमेंट का सही तरीका क्या होता है जंग के मैदान में। यहाँ पे सैनिक नीचे लेट जाएगा ताकि ये हैज के पीछे कवर हो जाए। अरे ये घूम जाएगा, चल। ये देखिए सैनिक नीचे लेट गया है, हैज ने उसको कवर कर लिया है और वो धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है जिससे दुश्मन को पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कोई मूवमेंट हो भी रहा है कि नहीं। इन सब चीजों के अलावा चीजें अपने छाया चित्र की वजह से भी नजर आती है। इमेजिन करो कि शाम का वक्त है और कोई सैनिक चल रहा है और आसमान के अगेंस्ट उसकी बॉडी जो है ब्लैक कलर के शेप में दिखाई दे रही है। इवनिंग टाइम में जब सांझ हो रही हो
और स्काई लाइन एकदम क्लियर हो क्षितिज में, तो वहां से मूवमेंट करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसे छाया चित्र बनता है और सैनिक दूर से ही ऑब्जर्व हो सकता है। चीजें स्पेसिंग की वजह से यानी फासले की वजह से भी नजर आती हैं। इमेजिन करो कि 10 सैनिक चल रहे हैं जंग के मैदान में और उनके बीच में बराबर स्पेसिंग है, बराबर दूरी है, तो दूर से एक पैटर्न नजर आएगा, यू नो, दो दो मीटर की दूरी पे एक लाइन सी चल रही है, तो वो स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, उससे चीजें दिखाई देती हैं। जब सैनिक मूवमेंट कर रहे होते हैं, यू नो, एनिमी के एरिया में वो लोग जा रहे होते हैं, तो उस समय वो अपने आप को कैमोफ्लाज करने के लिए कवर का भी इस्तेमाल करते हैं। कवर क्या होता है? जिस सराउंडिंग में आप मूवमेंट कर रहे हो वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, झाड़ियाँ, पत्तियाँ, पेड़, तो उन चीज़ों से अपने आप को कवर करना, ऐसे कवर करना कि आप दिखाई ना पड़े दुश्मन को, उसी को कवर बोलते हैं। ये एक ग्रीन कलर की हैज है और मान लेते हैं कि मैं इस ग्रीन कलर की हैज को अपने आप को कवर करने के लिए यूज़ करती हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने आप को छुपाऊंगी ऐसे करके, और मुझे अपने आप को छुपाना भी है, एट द सेम टाइम मुझे दुश्मन के एरिया में देखना भी है और उनके मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखने के लिए मुझे झाड़ी के बीच में जो गैप है उसे इस्तेमाल करना है ऐसे करके, कभी भी कवर से ऊपर करके नहीं देखना है, नेवर लुक ओवर इट, लुक थ्रू, बीच में से देखना है। नंबर वन, मान लेते हैं कि ये हैज बहुत घनी है और इसके बीच में से देखना पॉसिबल नहीं है, तो अब मैं कैसे सामने देखूंगी? ये जो हैज है ये इसका एंड है, तो मुझे देखने के लिए इसके एंड में से देखने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि इसके ऊपर से, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर से देखने की कोशिश करूंगी तो इसकी जो स्ट्रेट लाइन है ना उस पे मेरा जो शेप है सर का वो नजर में आएगा, जबकि किनारे से वो नजर नहीं आएगा। तो ये सेकंड रूल है। मान लेते हैं कि झाड़ी के बीच से देखना भी संभव नहीं है और उसके अराउंड किनारे से भी देखना संभव नहीं है, तो अब क्या करें? अब मजबूरी में हमने इसके ऊपर से ही देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें ये ध्यान देना चाहिए जो ये स्ट्रेट लाइन है ये कम से कम डिस्टर्ब हो। ये देख रहे हैं आप स्ट्रेट लाइन, तो अपने सर को सिर्फ उतना ही ऊपर रखिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, ऐसे करके नहीं देखना है, धीरे से देखना है। अपने आप को कवर करने के लिए एक अलग थलग पड़ा हुआ पेड़ या कोई रॉक यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नो एक सिंगल सी रॉक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉक है, ये एक सिंगल रॉक है जंग के मैदान में, और अगर मैं इसको कवर के लिए यूज कर रही हूँ तो मैं जरा सा भी हरकत करूंगी तो मैं एकदम नजर आऊंगी। तो ऐसा कवर यूज करना चाहिए जो मतलब बड़ा हो साइज में, ये नहीं कि अलग से एक यूनिक कवर है। जंग के मैदान में मूवमेंट करते समय आपको ऐसे बैकग्राउंड के अगेंस्ट मूवमेंट करना चाहिए जो आपके कपड़ों से मैच कर रहे हो। यू नो, अगर आपने खाकी रंग के कपड़े पहने हैं तो बैकग्राउंड भी खाकी होना चाहिए। अगर आपके कपड़े जो कॉम्बैट का जो ग्रीन जंगल वाला कलर होता है वो कपड़े का कलर है तो आपका बैकग्राउंड का कलर भी सेम होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट नहीं होना चाहिए। यू नो, कवर के इस्तेमाल के लिए जो बाकी रूल्स हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। रेगुलर स्पेसिंग अवॉइड करनी है, धूप में चलना अवॉइड करना है, हमेशा शेडो का इस्तेमाल करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, कैमोफ्लाज एंड कंसीलमेंट। नेचर ने, कुदरत ने हमें सफिशियंट एड्स दे रखे हैं जहाँ पे कोई भी सैनिक अपने आप को कंसील या कैमोफ्लाज कर सकता है। ज़रूरत होती है सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की। तो यहीं पर हमारा ये लेसन समाप्त होता है। जय हिंद।